कहानी। क्या हुआ बासु, थक गए? ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार तुम्हारे पूर्वज हैं। उन्होंने जल की बर्बादी खूब की है। उन्होंने तुम्हारे बारे में तनिक भी नहीं सोचा। अपने चारों तरफ देखो, रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आ रहा है। ये गंगा है वासु, तुम्हारे पूर्वजों का तीर्थ स्थल। सबने जल की बर्बादी इतनी की कि धीरे धीरे ये भी बर्बाद हो गया। गंगा बर्बाद हो गया बासु, देखो गंगा बर्बाद हो गया बासु। सबका जीवन बर्बाद हो गया, गंगा बर्बाद हो गया। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आज से 30 साल पहले लेकर जाता हूँ। पानी रे पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। देखा वासु, लोग पानी कितना बर्बाद कर रहे थे। जिस सीढ़ी को पोछा लगा करके भी साफ किया जा सकता था, उसे पानी बहा करके साफ कर रहे थे। बर्तन धोते समय नल को खुला छोड़ देते थे। कपड़ा साफ करते समय जल को बर्बाद करते थे, जबकि जल को ही जीवन मानते थे। गंगा की पूजा करते थे, गंगा की आरती होती थी, गंगा की कसमें खाते थे। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। कौन?
कौन है? कौन है? मैं हूँ बासु, तुम्हारा दोस्त। देखा ना लोगों ने जल की बर्बादी कैसे की। चलो मैं 2050 की गंगा दिखाता हूँ। अगर लोगों ने पानी को बर्बाद करना बंद नहीं किया तो 2050 तक गंगा की यह कहानी सच होगी। जब सारी नदियां और कुएं सूख जाएंगे तब शायद इंसान पानी की कीमत समझ पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बासु कि गंगा की यह कहानी सच ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।